आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय सावन देव सर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय टीकम चंद जी बोहरा, विशिष्ट अतिथि श्रीमान राज पुरोहित जी, अभी जिनको हम सुन रहे थे ऐसे माननीय सुरेंद्र जी द्विवेदी, और यहाँ विराजमान सभी लोग, मैं सोचता हूँ मंच जितना महिमावान है वैसे ही यहाँ सभी प्रबुद्ध जन बंधुओं बहने भी उतनी ही विद्वता लिखते हैं। तो जैसा अभी संयोजन करते समय कहा, तो मुझे लगता है कि राम के जो ब्रह्मांड व्यापी स्वरूप की चर्चा तो हम करते ही हैं, और जहाँ हम देखते हैं कि रामायण में जहाँ काकुशुंडी को भगवान राम अपना स्वरूप दिखाते हैं, तो आज का जो ब्रह्मांड है जिसमें अनेक आकाशगंगाएं, जैसा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 20 खरब से ज्यादा आकाशगंगाओं के बारे में वैज्ञानिक कथन करते हैं, और उन विभिन्न आकाशगंगाओं में भ्रमण करवा दिया, तो मुझे लगता है कि राम का वह स्वरूप तो है ही, लेकिन लौकिक दृष्टि से भी श्री राम और रामायण का व्याप अनादिकाल से विश्व भर में रहा है। और मैं यहीं से प्रारंभ करना चाहूंगा कि जब भगवान राम सीता जी के बारे में चिंतित होते हैं, हनुमान जी उन्हें कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, इस भूमंडल के सारे द्वीपों की बहुत अच्छी ठीक जानकारी सुग्रीव को है, और इसलिए वह सीता जी की खोज करवा दे। और बाद में वाल्मीकि रामायण में जहाँ सीता जी की खोज में वे अपने दूतों को भेजते हैं, तो वे कहते हैं पूरे भूमंडल के विभिन्न द्वीपों का, उदाहरण के लिए हम्पी किष्किंधा जहाँ है वहां से इंडोनेशिया 12,000 किलोमीटर दूर है, और वे कहते हैं कि यहाँ तुम समुद्र में जलयानों से जाना पड़ेगा, नौकाओं से जाना पड़ेगा, तैर कर भी जाना पड़ेगा, इंडोनेशिया में 17,000 द्वीप है। और वहां वो कहते हैं वहां यव द्वीप है, तो आप अगर जावा को देखेंगे तो यव यानी जो के दाने जैसा लंबा वह है। फिर उसके पास में बतलाते हैं तो वहां सुवर्ण की खानों से मंडित सुवर्ण द्वीप है, आज भी सुमात्रा वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग एरियाज में है, दुनिया में 7 जो सबसे अधिक स्वर्ण, तो उस समय भी वे कहते हैं कि वहां सुवर्ण की खानों से मंडित सुवर्ण द्वीप यानी सुमात्रा का वर्णन करते हैं, और उसके चारों ओर वे रौप्य द्वीप का वर्णन करते हैं, और वहां सिल्वर बियरिंग आइलैंड्स भी हैं, और मैं आपको वह श्लोक ही पढ़ के सुनाता हूं। गिरिभिर्ये च गम्यन्ते प्लवनेन प्लवंच, तैर के भी जाना पड़ेगा, जलयान से भी जाना पड़ेगा, यत्र वन्तो यवद्वीप सप्त राज्योपशोभितम्, सुवर्ण रौप्य के द्वीप, सुवर्ण और रौप्य के द्वीप हैं, सप्त सुवर्ण कर मंडितम, सुवर्ण की खानों से मंडित सुमात्रा के बारे में वे कहते हैं। आगे वह श्लोक लंबा है, मैं अधिक समय न लेकर ये कहता हूं कि वहां आज सैटेलाइट के चित्रों से तो यह संभव है कि हम 12,000 किलोमीटर दूर कहां गोल्ड माइंस हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के वर्णन मिलना, और इसी प्रकार से शाल्मली द्वीप के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया का, और अभी मैं उस पूरे उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ और आयाम भी और भी वक्ता है, तो लेकिन एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि उस रामायण काल में हम भारतवासी लोग पूरे विश्व के प्रति दृष्टि रखते थे, और आज भी अगर हम देखें तो रामायण के सर्वाधिक स्वरूप साउथ ईस्ट एशिया के जो 12 देश हैं, आज के भारत के क्षेत्रफल से लगभग 1.5 गुना क्षेत्रफल, आज हमारा 32,87,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 45,00,000 किलोमीटर क्षेत्रफल का जो भारत देश है, उन सभी में अपनी अपनी अलग रामायण है। उदाहरण के लिए यदि हम देखेंगे कंबोडिया, तो वहां रीमेकर नाम से रामायण है, और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो इंडोनेशिया में रामायण जावा वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित है, और मैं सोचता हूं कि शायद भारत के 750 जिलों में रामलीला समितियां नहीं होंगी, लेकिन इंडोनेशिया 87% मुस्लिम लोग हैं, लेकिन फिर भी वहां हर जिले में रामायण की समितियां हैं,
और इसको अन्यथा न लें, मैं कोई चुनौती नहीं दे रहा हूं, लेकिन यहां भी अगर कुछ बंधुओं बहनों को हो सकता है कि राजा दशरथ के माता पिता का नाम पता नहीं हो, उनकी जीवनी पता नहीं हो, लेकिन सुमन सांतक नाम की एक नृत्य नाटिका इंडोनेशिया में खेली जाती है, जो राजा दशरथ के माता इंदुमती और उनके पिता अजय की जीवनी पर आधारित है, और उसमें रघु दिलीप उन सब के वर्णन भी आते हैं। अर्थात वहां चाहे इस्लाम मतावलंबी वह जो आज की पीढ़ी है, लेकिन उन्हें रामायण में काल के पात्र के राजा दशरथ, और अगर इसको और मैं स्पष्ट करूं तो सुमन सांतक अपने आप में नाम में ही सुमन सांतक ऐसा कहते हैं कि इंदुमती हरिणी नाम की स्वर्गलोक की अप्सरा थी, उसे श्राप से मनुष्य लोक में आना पड़ा, तो वह इंदुमती होती है। तो वह जब उसको श्राप मिलता है तो वह कहती है मेरे श्राप का परिहार कैसे होगा, देवलोक का कोई पुष्प जब तुम्हारे ऊपर गिरेगा तब तुम्हारी मुक्ति संभव है। तो ऐसा कहते हैं इंदुमती एक बगीचे में बैठी थी और नारद जी अपने आकाश मार्ग से जा रहे थे, उनकी माला का एक पुष्प इंदुमती के ऊपर गिरता है, वहीं पे इंदुमती का जीवन का अंत हो जाता है। तो मतलब सुमन यानी पुष्प और अंत यानी जिसके पुष्प गिरने से जीवन का अंत होता है। आप देखिए कितनी सुललित वह नृत्य नाटिका है और आज भी इंडोनेशिया में वह खेली जाती है। हम यहाँ हमारी आज की पीढ़ी या मेरी आयु के भी सब लोगों से पूछ लें तो वे सारे वर्णन नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि राम का चरित्र सर्वत्र व्याप्त है। इसी प्रकार से अगर हम देखें लाओस, लाओस में फ्राल का फ्रा राम जो है रामायण की वहां का वह है। मलेशिया में हिकारत सेरी राम, हिकारत यानी इतिहास, हिकारत सेरी राम के नाम से है। ब्रह्म देश यानी म्यांमार या बर्मा, वहां यम जातस्वा के नाम से है। और फिलीपींस 90% लोग ईसाई हैं, लेकिन वहां दारांगेन और सिंकिल नाम की जो रामायण है, और सिंकिल में 72,000 वर्सेस हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे यहां भी रामायण में शतपंच चौपाई 500 चौपाई है रामचरितमानस में, लेकिन जो सिंकिल नृत्य नाटिका है उसमें 72,000 वर्सेस हैं। तो आप सोचिए कि इसी प्रकार से थाईलैंड में भी रामकिन के नाम से रामायण है, वहां तो चक्री राजवंश के जो राजा होते आए हैं वे अपने आप को राम ही कहते आए हैं, उसकी पुरानी राजधानी भी अयोध्या ही कहलाती आई है। और यूं देखें तो जो थाईलैंड का अगर हम देखें तो थाईलैंड का पुराना नाम है सुखोथाई, सुखोथाई यानी सुख की सुबह। और ऐसा मानते हैं चूंकि आज अगर हम भारत से पूर्व में आगे बढ़ेंगे तो पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा है, बर्मा से आगे थाईलैंड है, उसके आगे समुद्र है,